हाय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिस्ट्री एच में। आज हम आपको राजपूत वंश के इतिहास के बारे में बताएंगे। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलता रहे। राजपूत उत्तर भारत का एक क्षत्रिय कुल माना जाता है जो कि राजपूत का अपभ्रंश है। राजस्थान को ब्रिटिश काल में राजपूताना भी कहा गया है। पुराने समय में आर्य जाति में केवल चार ही वर्ण व्यवस्था हुआ करती थी। राजपूत काल में प्राचीन वर्ण व्यवस्था समाप्त हो गई थी तथा वर्ण के स्थान पर कई जातियां व उपजातियां बन गई थी। कवि चंद्रबरदाई के कथा अनुसार राजपूतों की 36 जातियां थी। उस समय में क्षत्रिय वर्ग के अंतर्गत सूर्यवंश और चंद्रवंश के राजघरानों का बहुत तेजी से विस्तार हुआ था। राजपूतों में मेवाड़ के महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज चौहान का नाम सबसे पहले और सबसे ऊंचा लिया जाता है। हर्षवर्धन के उपरांत भारत में कोई भी ऐसा शक्तिशाली राजा नहीं हुआ जिसने भारत के विरुद्ध भाग पर एक छत्र राज्य किया हो। इस युग में भारत अनेक छोटे बड़े राज्यों में विभाजित हो गया था जो आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। उनके राजा राजपूत कहलाते थे तथा 7वीं से 12वीं शताब्दी के इस युग को राजपूत युग भी कहा जाता है। राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में इतिहास में दो मत प्रचलित है। कर्नल टोक व स्मिथ आदि के अनुसार राजपूत वह विदेशी जातियां हैं जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। उच्च श्रेणी के विदेशी राजपूत कहलाए। चंद्रबरदाई लिखते हैं कि परशुराम द्वारा क्षत्रियों के संपूर्ण विनाश के बाद ब्राह्मणों ने माउंट आबू पर यज्ञ किया। वह यज्ञ की अग्नि से चौहान, परमार, गुर्जर, प्रतिहार व सोलंकी राजपूत वंश उत्पन्न हुए। इसे इतिहासकार विदेशियों के हिंदू समाज में विलय हेतु यज्ञ द्वारा शुद्धिकरण की पारंपरिक घटना के रूप में देखते हैं। दूसरी ओर गौरीशंकर, हीराचंद, ओझा आदि विद्वानों के अनुसार राजपूत विदेशी नहीं है अपितु प्राचीन क्षत्रियों की ही संतान है। राजपूत युग की वीरता व पराक्रम का भारतीय इतिहास में अद्वितीय स्थान है। तो दोस्तों, आज हमने आपको बताया कि राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई या उनका क्या इतिहास था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद दोस्तों।